मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? मैं नूर नवाज खान फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, और ये हमारा फेसबुक पे स्टडी पॉइंट सेंटर, और ये study-point.com हमारी वेबसाइट। आज मैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो टेंथ का है ट्रिग्नोमेट्री, वो डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें भी एक्सरसाइज 8.4 जो है, उसमें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन लगता है सब बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट, और एग्जांपल नंबर जो हमारे पास है 15, वो लगता है। मैं आज इन दोनों क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा, आप ज़रा ध्यान से देखिए। कहीं पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स फील हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में। हमारे पास क्या है बेटे, एग्ज़ाम्पल नंबर 15 है, आप थोड़ा सा इनके बेसिक समझने की कोशिश करिएगा। एग्ज़ाम्पल 15 जो है बेटे, वो कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक्चुअली बेटे यही इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले क्वेश्चन में, कि आपको क्या चाहिए, 1 अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा। आप यहाँ ध्यान रखिएगा बेटे, सेम क्वेश्चंस के लिए आपसे कह सकता है प्रूफ करिए sec थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब ये राइट हैंड साइड हमसे क्वेश्चन एग्जांपल में प्रूफ करा रहा है। मैं कह रहा हूँ ये भी हो सकता है, इवन बेटा आपसे ये भी कह सकता है कि नहीं प्रूफ करिए 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, आपसे ये भी प्रूफ करा सकता है, और इवन आपसे ये भी कह सकता है कि नहीं आप प्रूफ करिए cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। ये दोनों तो आप कर सकते हैं अगर आप इन सब दोनों को साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। मैं फ़िलहाल आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपसे ये प्रूफ कराता है या ये प्रूफ कराता है तो आप कैसे करेंगे। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है बेटे, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। एक्चुअली होता क्या है बेटे, आपको राइट हैंड साइड में चाहिए सेक और टेन। है क्या बेटे, सेक थीटा होता है 1 अपॉन cos एंड टेन थीटा होता है बेटे साइन बाई कॉस। तो इसका मतलब ये है दोनों में डेनोमिनेटर कॉस है, तो आप इनको कॉस से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा, तो आपके पास कुछ ऐसे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन cos थीटा। तो आप चेक करिए बेटे, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, 1 अपॉन cos होता है बेटे sec, और ये बेटे cos बाई cos 1 हो जाए, इसको बाद में लिख रहे हैं। सेम बेटे हमारे पास क्या आया, sin बाई cos इज tan, 1 बाई cos इज sec एंड cos बाई cos इज 1 प्लस 1। तो आपके पास ये टर्म्स ऐसे चेंज हो जाएंगे, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 एंड tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब यही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चाहिए 1 अपॉन sec माइनस 10 मीन्स डेनोमिनेटर, ये आपको ये चाहिए sec थीटा प्लस tan थीटा यानी कि न्यूमरेटर। बेटे अगर डेनोमिनेटर चाहिए तो ये वाला 1 चेंज होगा, और अगर न्यूमरेटर चाहिए तो ये वाला 1 चेंज होगा। 1 चेंज कैसे होगा, आपको मालूम है 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ऐसे। तो फिलहाल मैं इसको एग्जांपल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मुझे डेनोमिनेटर चाहिए तो इस वाले 1 को मैं चेंज करता हूँ। तो हमारे पास क्या है बेटे, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन, ये बेटे एज इट इज़ tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है, प्लस 1 को मैंने चेंज कर दिया, 1 को मैंने क्या लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ऐसे। अब आप क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको फैक्टर्स कर देंगे, a प्लस बी a माइनस बी। आप चेक करिए बेटे, ये आ गया tan थीटा। अच्छा यहाँ ध्यान रखिएगा, मुझे sec माइनस tan चाहिए, क्या चाहिए sec माइनस tan, तो ऊपर तो बेटे एज इट इज़ tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन, यहाँ चेक करिए बेटे, ये tan माइनस sec है और आपको चाहिए sec माइनस tan, तो आप आसानी के लिए यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो आपने माइनस कॉमन लिया तो बेटे sec पॉजिटिव हो जाएगा और tan नेगेटिव हो जाएगा, गुड। अच्छा प्लस a माइनस बी,
फैक्टर्स करिए बेटे, ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड ए माइनस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऐसे। अब आप क्या करेंगे बेटे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास क्या आएगा बेटे, आपके पास आएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा बेटे माइनस वन प्लस ये ब्रैकेट एज इट इज़ पॉजिटिव में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अगर आप चेक करेंगे सेक थीटा प्लस में है, टेन थीटा प्लस में है, वन माइनस में है, तो ये ब्रैकेट जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा बेटे, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऐसे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सपोज करो आपको ये प्रूफ करना होता सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो आप सीधा सीधा ये जो हमारे पास आया था टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, एक्चुअली क्या है कि यही आपका एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फाइव का फिफ्थ पार्ट है कि आपको वहाँ न्यूमरेटर चाहिएगा, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब हम इस वन को चेंज करते हैं, वन को क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर माइनस वन, रखो बेटे ज़रा आंसर आ जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, वन को आपने रख दिया बेटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास क्या आएगा बेटे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसके दो फैक्टर हो गए सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। देखिए बेटा आपके पास क्या है, ये भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये भी सेक थीटा प्लस, कॉमन आ गया बेटे, तो आपके पास आ जाएगा बेटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन, यहाँ बेटे वन आ जाएगा माइनस, ये माइनस और ये ब्रैकेट बचेगा, लेकिन ध्यान रखना माइनस से साइन चाहिए, तो सेक तो हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अपॉन, ये आ जाएगा बेटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। आप चेक करो बेटे टेन प्लस में है, सेक माइनस में और वन प्लस में, तो ये कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा बेटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। डिपेंड करता है बेटे कि आपको न्यूमरेटर चाहिए या डेनोमिनेटर चाहिए, न्यूमरेटर चाहिए तो न्यूमरेटर चेंज करो, डेनोमिनेटर चाहिए तो डेनोमिनेटर चेंज, दैट्स इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है बेटे हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव हमसे कह रहा है बेटे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल्स टू, ठीक है, कॉसक ए प्लस कॉट ए, ये हमारे पास, ठीक है। आप इसमें चेक करिए बेटे, फिर मुझे कॉसक ए और कॉट चाहिए, अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया हो गया है, तो कॉसक होता है वन अपॉन साइन और कॉट होता है कॉस बाय साइन, तो साइन से डिवाइड, सो लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन डिवाइडिंग बाय, ठीक है बेटे साइन ए, तो आप क्या करोगे बेटे, आप करोगे कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए साइन ए अपॉन साइन ए वन अपॉन साइन ए, ठीक है। कॉस बाई साइन क्या होता है बेटे, कॉस बाई साइन होता है कॉट ए, वन अपॉन साइन क्या होता है बेटे कॉसक ए, और साइन बाई साइन होता है वन, कॉस बाई साइन होता है बेटे कॉट ए, वन बाई साइन होता है बेटे कॉसक ए, और साइन बाई साइन होता है वन, ये बस हो गया। अब हमें चाहिए न्यूमरेटर, तो आपको आइडिया होगा इसको चेंज करना है, एक्चुअली वन होता है बेटे कॉसक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो इस वन को चेंज करिए बेटे, आपके पास आ जाएगा बेटे कॉट ए प्लस कॉसक ए माइनस, वन को चेंज कर दिया आपने, कॉसक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए
अपॉन कॉट ए माइनस कॉस के प्लस वन। ठीक है बेटे, अब आप इसको फिर फैक्टराइज करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास क्या आएगा बेटे, कॉट ए प्लस कॉस के माइनस, ये हो गया बेटे कॉस के प्लस कॉट ए, और ये हो गया बेटे कॉस के माइनस कॉट ए अपॉन ये एज इट इज कॉट ए माइनस कॉस के प्लस वन। प्लीज़ ध्यान से देखिए, आप कॉट ए प्लस कॉस के कॉमन ले सकते हैं, तो आपने कॉमन ले लिया बेटे कॉट ए प्लस कॉस के, आपके पास क्या रह गया बेटे, यहाँ वन रह गया माइनस, ये आ गया बेटे एज इट इज कॉस के माइनस से बेटे साइन चेंज हो जाएगा प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉस के प्लस वन। चेक करिए बेटे, वन प्लस में है, कॉसक माइनस में है, कॉट प्लस में, पूरा कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा बेटे कॉट ए प्लस कॉसक, ये है बेटे आपका कॉट ए प्लस कॉसक। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको न्यूमरेटर चाहिए डेनोमिनेटर चाहिए तो न्यूमरेटर चेंज करो, डेनोमिनेटर चाहिए डेनोमिनेटर चेंज। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अब, थैंक यू सो मच।